तीन खम्बे अर्थतंत्र अ संविधान ने तीन खम्बे अर्थतंत्र को मान्यता अगाड़ी सारे कुछ। यो तीन खम्बा भी निजी क्षेत्र पर्द सहकारी क्षेत्र पर्द राजकीय क्षेत्र पर्द अब ये तीन टा को अत के होद भरा बहस को विषय बने कोई तीनवे क्षेत्र को अनुपात निजी क्षेत्र के तो कति ओगटने हो सहकारी सरकारी क्षेत्र के ओगटने हो सहकारी क्षेत्र के ओगटने हो सरकारी सहकारी र निजी योजना र बहस को विषय हो तर हामी चाहन्छौ कि घर घर में छर साना साना रकम पूंजी को रूप में जमा हो हुन विदेश में कमा कमा पैसा देश में ल्याउन पाए देश में लिया पैसा उपभोग कर खर्च कर भादा बढ़ी पूंजी को रूप में संचय कर पाए राज्य को समग्र रकम पी राज्य रहें कोष में वृद्धि होना सकने थी लगानी में उपयोग होने थी लगानी को निति पैसा को अभाव होने थे कि हमें ठाक थोपा लेने विशाल समुद्र बंद किस थोप्पा थोप्पा रकम जमा होगा छर रह रकम हो रहा आकार ठूलोनेद अब इस बीच में अब विभिन्न क्षेत्र के आवश्यकता पर्दे ऋण समस्त मे ऋण ऋण लिखा माने पीड़ित भाग इसम में यह मीटर ब्याजी अत्याचार को कुछ हमी तुम्हें जी रकम दिशा तो बन्दा एमाउंट तो भाई कैयों गुना बढ़ी एमाउंट को कागज में हस्ताक्षर करमीन पैलें में या जे पास कर लिने तेस ब्याज चढ़ ब्याज ने सावालाइंस रुट को खेती को रूप में इसलिए लिने य सब का विरुद्ध में अभी आवाज उठे रिजो मत सरकार को तरफ वर्तमान गठबंधन सरकार को तरफ बड़ साझा हमी सबैले तैयारियों को न्यूनतम कार्यक्रम हो तो न्यूनतम कार्यक्रम प्रकाशित करखे सुन्नभि मीटर ब्याज को नाव में जो अत्याचार भैर विरुद्ध में सरकार ने कदम चाली सकते एटा पनि बनाई सकता कानून बनाने कुरा में अगड़ी बढ़ी सकता रिशर ब्याज पीड़ित अब राहत प्रदान करना काय दिन का लगी सरकार अगड़ी बढ़ने भरा हम सुधानमजी को मुख्य सब संदर्भ में सहकारी को बारे में गुनासो आने गो सहकारी आम जनता को हित को निति तर निजी तथा बचत सहकारी को नाव में होस् ऋण सहकारी को नाव में होस् अनेक य संस्था खुले पाइज माने रकम राखन रकम राखे जो रकम जब ए पर्याप्त मात्रा में मा भई सके तो लीएर तेका मूल संचालक देश छोड़े बेपत्ता भैस होगानीकर्ता सब को हरिजोग बेहाल को अवस्था हमें सुन्ने ग अवश्य पनि हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरूले त्यस्तो काम गर्ने छैनन् गरेका छैनन् भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु